गाइज नमस्कार, आप स्वागत है आप सभी को माय लाइफस्टाइल एंड कुकिंग चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं देखिए सजना पत्ता का रेसिपी, तो ये ही बनाएंगे आज। तो ये बनाने जा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज़ मेरे तरफ से और एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए और वीडियो को वॉच कीजिए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सजना का पत्ता, सारे पत्ता को मैं डंठल से अलग कर लिया है तोड़ के। तो अभी हम चलेंगे इसको मूंग दाल के साथ बनाएंगे। तो हम लोग का तोड़ना हो गया है, चलिए किचन चलते हैं। तो किचन में आ गई हूँ, अभी हमको कढ़ाई में मूंग का दाल जो है उसको डालना है। और मूंग का सारे दाल को मैं धोकर अच्छा से डाल दिया है। अब हमको पानी डालना है, पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि हमको उबलना है दाल को। तो मैंने इतना पानी डाला है, ज़रूरत पड़े तो मैं फिर डालूँगी। और उसके बाद मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है। बस इसको अभी हमको उबल आने तक वेट करना है। तो देखिए उबल थोड़ा आ गया है और अभी हमको थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा देना है और फिर बीच में चेक करते रहना है। तो देखिए फाइनली हम लोग का दाल जो है पक गया है। और बीच में मैंने ढक्कन हटा दिया है क्योंकि उतरने वाला था, तो इसीलिए आप लोग को नहीं दिखा पाया। तो बस हो गया हम लोग का दाल। अभी हमको पत्ता जो है उसको डालना है, सारे पत्ता को मैंने डाल दिया है। अभी हमको चम्मच से इस तरह चला देना है और सारे को मिक्स करना है। तो मिक्स हम लोग का हो गया है, उबल भी आ गया है। अभी हमको पानी डालना है, आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से डालिए। मैं तो डाल दिया है गिना से, एक गिना जो कटोरा है उसी से। तो मुझे लग रहा है और थोड़ा सा डालना है मेरे को, तो मैं और थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। तो हो गया मेरा पानी डालना, अब हम इसको उबाल आने देंगे और अच्छा से पकने देंगे। तो देखिए फाइनली हम लोग का हो गया है, वो जो पक गया है पत्ता और दाल पूरा उबल गया है। तो अब हमको तड़का लगाना है। तो देखिए मैंने पैन को गर्म करने के लिए रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं तो गर्म हो रहा है पैन हम लोग का। अभी हमको इसमें सरसों का तेल डालना है, तो मैंने डाल दिया है। अभी हमको जीरा जो है पंचफोरन जो मिक्स रहता है तो वो डाल दिया मैंने। तो ये थोड़ा भूनने देते हैं, तो जब भून जाएगा तो हमको अभी सूखी मिर्च डालना है। आपको आपके स्वाद अनुसार जो आप जितना तीखा खाते हैं इतना डालें। तो देखिए मैं आप लोग को बता रही थी कि ये जो है मैंने नीचे डाला है, पहले नहीं था, आप लोग देखा होगा पहले रेसिपी में, तो मैं बाद में अभी डाली हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, आप लोग को भी देखने में अच्छा नहीं लगता होगा, तो सोचा कुछ तो डालना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कैसे लग रहा है, आप लोग को कमेंट करके मेरे को बताना पड़ेगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसे लग रहा है। और इस साइड में मैंने इस तरह काट के लगाया है क्योंकि जो साइड में है चूल्हे के साइड में तो साइड गर्म हो जाता है, तो इसीलिए मैं काट के गैप रख दिया है। तो बस अभी हो गया है हम लोग का, अभी लहसुन डालना है। लहसुन हम लोग का फ्राई हो रहा है, तो हो गया हम लोग का लहसुन फ्राई। और अभी हम डाल देंगे जो हम लोग का उबला हुआ जो साग और दाल। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको डाल दे रही हूँ और इसको इस तरह डाल के बस इसको थोड़ा सा उसका जो जूस देकर इसको अच्छा से धो देना है। उसके बाद तुरंत ही इसको ढक्कन लगा देंगे थोड़ी देर के लिए। तो देखिए हम लोग का उबल भी आ गया है, अभी हमको इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। देखिए बस अभी हम लोग का और कुछ नहीं करना है, बस हो गया। थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे इसमें,
और थोड़ा सा गरम मसाला। बस सिंपल सा रेसिपी हम लोग का रेडी हो गया है। इसको चला देते हैं थोड़ा। बस रेडी हो गया है हम लोग का जो सजना पत्ता और दाल का रेसिपी। बहुत ही सिंपल है, इजी है। आप इसको कोई भी मतलब छोटे से बड़े सब खा सकते हैं। तो ये साग आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए और मेरे साथ अपना स्वाद शेयर कीजिए। तो ठीक।